पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कंट्री सी गाड़ी है, इसमें कोई नहीं बैठेगा, ये मेरी हो गई यार। Assalamualaikum guys and welcome back to another vlog. तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल पाकिस्तानीज। तो आप लोगों को मैं बता दूं गाइस, अभी हम जाने वाले हैं DHA और यस मेरे साथ जाने वाली है खदीजा। वहाँ पे सदर स्टॉप पे हमने मिलना है, मेरी बाकी फ्रेंड्स को ज्वाइन अप देना है एंड उसके बाद हम जा रहे हैं DHA क्योंकि वहाँ पे होगा आज के सारे इवेंट्स होंगे, वहाँ पे सारे प्रोग्राम से देखते हैं आगे निकलते हैं जाते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे साथ रहिए, काफी एंजॉय करेंगे वहाँ जाकर। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं काफी टाइम बाद व्लॉगिंग पे एक्टिव हुई हूँ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अब एक्टिव ब्लॉग्स डालती रहूंगी, ठीक है, अपलोड करती रहा करूंगी। तो तब तक के लिए आप लोग का मुझे भरपूर सपोर्ट चाहिए भाई, जितना हो सके इस ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें और अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों ये है BRT स्टेशन मलक साथ शहीद, जिसको आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा BRT वालों ने सजाया हुआ है 14 अगस्त के लिए। फिर दोस्तों हम रवाना हुए BRT में भाई, बाकी दिन तो किला बालीसार को अगर देखा जाए तो इस पे ऐसे चार चांद नहीं लगे रहते, लेकिन आज जो के इन्होंने इसको खूब सजाया हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना रश है। गाइस यहाँ पे नयाब भी आ गई है, ठीक है, ये नयाब है, उसकी सिस्टर एंड यहाँ पे मेरी दूसरी फ्रेंड भी है आयशा, ये खदीजा है और यहाँ पे आप लोगों की बबली मैं, ठीक है, और पसीने से बुरा हाल हुआ है, सेम इसी तरह मेरा भी बुरा हाल है, भी ठीक लग रही है, मेरा हमेशा इसी तरह रहता है। इससे पहले भी जब मैं स्कूल गई मुझे सबने कहा तुम्हारा मेकअप नहीं पिघला, गाइस ये अभी तक प्यारी लग रही है और मेरा बुरा हाल बन गया है। हालांकि हम इसका नयाब को हमने मैं आयशा ने मिल के इतना ज्यादा वेट किया है, लेकिन फिर भी नयाब का हो गया, इस बेचारी का भी हुआ है यार, क्यों नहीं उसका भी हुआ है, अभी बस का वेट करते हैं, उसके बाद अभी हमने निकलना है, ठीक है, DHA जा रहे हैं हम और सारा प्रोग्राम जो है आयशा की तरफ से है। ओह वाव यार क्या बात है, फेमस लोग हैं, ठीक है, देखो यार हमारे संग में कितने बड़े बड़े लोग रहते हैं। चलो एनीवेज गाइस आगे मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, तब तक बाय बाय। ओके गाइस ये हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, नयाब भी अभी अपना व्लॉग बना रही है और हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ये ज़िपलाइन है, ठीक है, ये यहाँ का एरिया है DHA एडवेंचर अरीना। अब यहाँ से हमने एंट्री करनी है और आगे चल के देखते हैं भाई के क्या एक्सपीरियंस हासिल करते हैं हम लोग यहाँ पे, कितनी एंजॉयमेंट होती है। और भाई यार एक तो पूरा पाकिस्तान इससे ओ बंदे इशारा दे दिया, क्या बात है यार। ओके चले जाते हैं, यहाँ पे लिखा है नो वेपन नो ड्रोन, और कोई बात नहीं हम ऐसे भी यहाँ पे नहीं है लेकर आए। यहाँ का इंटरनल एरिया भी आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ठीक है, ये यहाँ पे सारा का सारा एरिया है और ये इनका व्लॉग चालू है, ठीक है, जारी है। वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं मौसम अच्छा है, इतनी मतलब गर्मी नहीं है, तो ये भी देखिए आप लोग, वाओ ये मेरी फैन है खदीजा, इसकी फैन है ना आपकी फैन, ये इसकी है ये मेरी है, वाह यार क्या बात है। एक बात है, एक्सीडेंट हो रहा है, ये जो अपनी बहनें होती है ना, ये कभी भी अपनी बहन का अपनी बहन की तारीफ कभी भी नहीं करने वाली, ये हमेशा दूसरों की कहेगी मैं इसकी फैन हूँ, मेरी बहन को ही देख लो एग्जांपल। ओ म्यूजिक भी लग गया भाई, तो भाई दोस्तों हमें लगी गर्मी और उसके बाद हम गए स्लश पीने और यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे थे और इस स्टाइल के मेजबान तो गायब ही थे। फिर यहाँ पे अगला स्टॉल था पाक गाजी बिरयानी का और उसके बाद कबीर रेस्टोरेंट वालों ने भी यहाँ पे अपने चार चांद लगा ही दिए। बबल्स ब्रूस वालों ने अपने पोस्टर पे बड़ा बड़ा लिखा है 60% डिस्काउंट, लेकिन उन्होंने 250 में से हमें सिर्फ और सिर्फ 50 रूपए का डिस्काउंट, और ये जो प्यारे प्यारे संडा टेबल वेयर नजर आ रहे हैं ना ये खाली, और भाई सबसे आखिर में हमारी नजरे फिर चार्ट पर पड़ी। गाइस ये देखे मैंने इन सबको इकट्ठा कर लिया है, ठीक है, मैंने इन्हें कहा है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, ठीक है, जबरदस्त पाकिस्तान जिंदाबाद, सही था, रेडी सुटोल, खदीजा इनके साथ शामिल हो जाओ, हाय हाय अब तक तो तुम बड़ी तेज बन रही थी, ये गुड राजा माशुमा लासरा का, ए लासरा का राजा मैंने इनको अपने साथ इकट्ठा कर लिया, नयाब हमें व्लॉग में ले आओ,
मैंने इनके साथ खड़ा होने है। नयाब भी आ रही है, आ जाओ जल्दी आओ। अरे जार नयाब ये देख, अल्लाह राजा इधर तो उतरेगी, राजा ही टोल रहा। कौन सी खदीजा, इनको एक साथ करो यहाँ पे। राजा ही राजा मखी शी नयाब, तुम और मैं यहाँ पे नीचे इनके साथ बैठ जाएंगे। आ जाओ, हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम भी बैठ रहे हैं। आ जाओ बैठ जाओ। रमक की शी तासु टोल, रमक की शी मुंशा तो उतरेगी। चीज़ों हुए मकाना ची पाकिस्तान जिंदाबाद, तासु टोल वो मसल ची जिंदाबाद, खास बन ची पाकिस्तान, तासु बन ची जिंदाबाद। सही ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये चीज़ डेरा मेहरबानी देख कोली जबरदस्त। फिर मैंने ये बंदा देखा, मुझे पहले तो लगा कि ये शायद मरा हुआ लटक रहा है, लेकिन फिर पता चला कि नई भाई साहब जिंदा है। खदीजा को बैच मिले यार, आयशा को भी फ्लैग और बैच मिले। मुझे झंडा नहीं दिया, झंडा झंडा दो। खदीजा ने झंडे की जिद की और फिर उसे भी मिली। और ये भाई साहब जो बैठे हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इनके पास हम गए भी, हमने इन्हें कहा भी कि म्यूजिक बंद कर दे, हम पे कॉपीराइट आ रहे हैं, लेकिन मजा ले इन्होंने हमारी सुनियो। गाइस तो फाइनली उन्होंने म्यूजिक बंद कर दिया है, ठीक है। खदीजा आ गई है, जा खदीजा स्टार्ट। वो बुढ़ी लड़ी मेरी वीडियो बना, मेरी अम्मी मेरी वीडियो बना, इसकी वीडियो बना, इसने वीडियो बना। आ जाओ जाओ, तुम अपना काम कर दिखाओ, सबर करो, देखते हैं कि ये क्या करती है। ये बड़ी टाइम से कह रही थी कि मैं गाड़ी में बैठूंगी। जी जी बैठ के दिखाइए मैडम। नानी जी आप कितने टाइम से के बाद बैठ रही है यहाँ पे गाड़ी में? बहुत साल बाद। और ये कौन सी गाड़ी वाली कंपनी है? करोटा है ना। अच्छा अच्छा जबरदस्त, तुझे ये भी नहीं पता। हाय हाय गलत प्रमोशन कर रही है, उनसे पूछो, जाओ निकल के आओ, उनसे पूछो कि कौन। नहीं निकलो, बाहर से निकल के उनसे पूछो, उनसे पूछो, प्रमोशन तो करनी होगी तुम्हें। ये कौन सी कंपनी है? पूछ लूंगी, जाओ पूछ के दिखाओ। नानी जी गाइस अभी पूछ रही है, ऐसे पहले पता नहीं था। डरपोक लड़की आ जाओ ना, बड़ा आगे जा रही थी। अच्छा गाड़ी पे ना देख रही है कितनी तेज है यार, कितनी। अच्छा बताओ कौन सा गाड़ी है ये? ये पीछे लिखे है कौन सा गाड़ी है? हाँ गाड़ी है, बताओ। ये टोयोटा। तो नहीं तो कोई तो होगा ना, यारिस है, क्या है, कौन सा है, क्या किसकी कंपनी, कौन सी गाड़ी है? यारिस है, कैमरी है, कोरोला। जिस तरह तुमने स्टार्ट में डायरेक्ट बोल दिया ना कोरोला, ये कोरोला नहीं है तो कौन सा है? टोयोटा। क्या मुझसे मार गाड़ी है, तुझे मार मार के यहाँ से भगा देना। मैंने गिफ्ट किसने करा ये बताओ, किसने तुम्हें गिफ्ट किया है? इनका क्या नाम है? जाओ नाम पूछ के आओ। अनवर 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 किस कंपनी के, ये पूछो ना। ये टोयोटा की कंपनी की गाड़ी है और हमारा डीलर सेव है टोयोटा का मोटर, और आपने हमारी खदीजा को गिफ्ट कराई है ना? जी जी। खदीजा को गाड़ी गिफ्ट में मिली है, वाह। रेडी हूं खुद भी देंगे। खदीजा वो कह रहे हैं कौन सी गाड़ी पसंद हो, बस उसमें से तुम उसमें हाथ रखो, ये तुम्हें देंगे। वो शीशा खुला है, ये इसी में ही बैठेगी क्योंकि इसने गाड़ी का जो दरवाजा है ऑलरेडी अपने लिए खुला छोड़ा है। नानी आप कौन सी कंट्री से? गाड़ी है इसमें कोई नहीं बैठेगा, ये मेरी हो गई यार। ओह माय गॉड, इसने तो हमारे पीछे दरवाजा ही बंद कर दिया। खदीजा ना कर, ओह माय गॉड, ये तो शाहिद अनवर बन गई अभी से। ए शाहिद अनवर रौजा बहर वलेना वलेना रौजे सबर, ये क्या कहना चाहती है? हाँ गाड़ी में कभी भी नहीं बैठोगे और आज मैं बैठ गई। ओह माय गॉड चल अच्छा चल निकलो, अभी दूसरी गाड़ी का ट्रेवल करते, मुझे भी बैठने दो। अच्छा ये तो औरों को बैठने ही नहीं दे रही, ये गाइस मुझे नहीं बैठने। नयाब भी बैठ गई है, नयाब नयाब बस जल्दी से ऐसी एक अपनी गाड़ी लो कि हम उसमें घूमे यार। यार क्या गाड़ी है जबरदस्त यार, ये तो वो इंडियन नानी की एक्टिंग कर रही है। क्या खदीजा क्या, ये मेरी गाड़ी है, कैसी है? नई गाड़ी है, नहीं दूसरे का। चलो दूसरी गाड़ी का मुआयना करते हैं, वहाँ पे कोई और बैठ गया। हाँ सुने आउच गरीबों
कि दरवाजा तोड़ना है तुमने क्या खबीस इंसान, पक्का इरादा कर लिया है गाड़ी को तोड़ने का, बर्बाद करेगी ये गाड़ी को, उसके बाद ही जाके बैठेगी। जा हदी जा बैठ दूसरी गाड़ी में। ओह माय गॉड, हर गाड़ी का सिटी स्कैन और एक्सरे पूरा वो तेरी तो मत करना खबीस, ये शायद अनु से निकल निकली वो तो। ओह माय गॉड, गाड़ी को ऐसे नजर भी नहीं आ रही, 4 फुट की तू है और ऊपर से तेरी अपनी हरकतें देखो, बंदे को इसने गुस्सा करा दिया, बंदे को गुस्सा करा दिया। निकलो गाड़ी से, निकलो गाड़ी से गरीबो, मेरे थंबनेल के लिए निकाल। ओह माय गॉड, तू थंबनेल भी समझती है। गाइस आप लोगों को मैं बता दूं, हदीजा कहती है कि मैं फिसी करके ना उसके बाद मैंने डायरेक्ट अपना चैनल बनाना है, तो क्या आप लोग इसको सपोर्ट करोगे? पहले से इंशाल्लाह। वीडियो बंद कर, बंद कर। जी मैडम प्लीज निकाल। ओ मैडम प्लीज, आप सही से खड़ी हो जाए, मैं आपका तस्वीर लेती हूँ। मैडम अच्छा, मैडम ले लिया मैंने, मैडम जरा राइट देखें, राइट तरफ देखे मैडम प्लीज, मैडम मेरी तरफ देखे, थैंक यू मैडम। अच्छा ये मेरे कुल में निकाल के ना उसके बाद ही मुझे घर जाने के लिए छोड़ेगी। चल मैडम मैं तक गई हूँ, मैडम प्लीज, मैडम प्लीज आइए प्लीज, मैडम कुछ खाना खाने के लिए जाते मैडम। नहीं पहले मैं ये नानी जी, मैं ये बात आप लोग ने, ये लोग बहुत फनी है एंड इस इन दोनों कैमरों को दोनों से दोनों हम दोनों का, तो मैं कहूंगी कि दोनों का फनी बना हुए दोनों देखे एंड यूट्यूब चैनल पर देखे ये डॉक्टर नायाब खटक, उनका चैनल का नाम है, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब कुछ करे, पब्लिक का बहुत ज्यादा ज्यादा करे, क्योंकि बबली बाब ने तुमने उसकी कैसे नहीं किया, लेकिन ये भी बहन है, दोनों बहन है, इन लोग का जो है इनका, क्योंकि मेरा बियल होगा, बियल अलग होगा, अभी से बता रही है। तुम्हारा किस नाम से चैनल होगा? मेरा नाम जो होगा वो हम सेलिब्रिटी वाले रखेंगे, आम से नहीं रखेंगे, कि हम गरीब नहीं है ना, हम ऐसे ऐसे गाड़ी में बैठे, हम शाहिद अनवर का रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया। नहीं आप निकलो यहाँ से, ये हमें शर्मा के रखेगी, निकल निकलो यहाँ से, हम गाइस जा रहे हैं यहाँ से, हदीजा ने इसके बाद हमें शर्मा के रखना है। गाइस पहले हमने यहाँ पे इस बंदे से म्यूजिक बंद करवाया, लेकिन अब दोबारा जा रहे ताकि वो म्यूजिक लगाए। रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी चक चक चक, रेलगाड़ी चक चक चक, जाना जाके निकाल, डरपोक। तो दोस्तों यहाँ पे गर्मी की वजह से मेरी तबीयत हो गई थी खराब और हम निकले घर की तरफ, रवाना हो गए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।